वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम ऑफिस में आए हुए थे और आज फिर से ये सीन हुआ कि काम तो था आज अच्छा खासा, तो हमने जो आज काम मुकम्मल कर लिया। फिर फारिग बैठे हुए थे, वापस से यूट्यूब चलानी शुरू करी, तो वापस से जो है वो एक मतलब हमने जो पहले कार्टून देखा था, आज फिर से जो है ना कार्टून देखने का जो है ना दिल चाह गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज हमने जो है वो कौन सा कार्टून देखा। अच्छा, तो कार्टून का जो नाम है ना वो है ऑस वर्ल्ड। इसका नाम है ऑस वर्ल्ड। ये जो ब्लू कलर के हैं इनका नाम ऑस वर्ल्ड है, और इनके साथ जो डॉगी है इसका नाम है सोने का वक्त हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना इस कार्टून के अंदर दो मेन और किरदार, इसके दो दोस्त हैं। एक तो इसके साथ ये जो मैंने आपको बताया डॉगी, और ये तो मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है उनको मैं आपको दिखाता हूँ। वो है वाला करे कार्टून है, बहुत अच्छा है ये, जरूर देखें आप। ये जगह ये है पेंगुइन, और इसका नाम है हेनरी। बेक बनाना के लिए शुक्रिया ऑसवर्ल्ड, फिर मिलेंगे। गुड बाय हेनरी, तू काफी है। हाँ, अच्छा आइडिया है। वही तो। ये देखें, ये छोटे से है वो, ये भी मेन कैरेक्टर है। ये भी मेन कैरेक्टर है, एक बटरफ्लाई। इनके साथ एक और पौधा भी होता है, पौधी होती है, ये भी बहुत मेन कैरेक्टर है इसमें। और आगे चले तो ये मेन कैरेक्टर है, डेजी मेन कैरेक्टर है। एंडी, डेजी, ऑसवर्ल्ड, और ये उसकी जो मतलब इसका जो डॉगी है मेन कैरेक्टर है। इसका नाम देखा गाइस, आज हमने जो अपना ऑफिस के अंदर दिन कैसे गुजारा। अच्छा, जो उसके साथ ऑसवर्ल्ड के साथ जो इनका जो डॉगी होता है उसका नाम होता है विनी, होता है विनी। तो अच्छा, आपके इस कार्टून के बारे से अगर कोई यादें वादे हों उसके अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।